नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूनिक होम डिज़ाइन और आज मैं आप लोगों के लिए 25 बाई 40 फीट का उत्तरमुखी घर का नक्शा लेकर आया हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह नक्शा आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, यह जो प्लाट है वह तीनों तरफ से पैक है और सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है, इसलिए वेंटिलेशन का इसमें खास ध्यान रखा गया है और जो है साइड में भी थोड़ा सा पैसेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आप लोगों को सही समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इसका जो फ्रंट है वह है 25 फिट और यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट में पोर्च बनाया गया है, तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट में पोर्च बना सकते हैं। एंट्रेंस भी आपका यहीं पर दिया गया है और यह भी इंटरेस्ट अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आएंगे हॉल में। हॉल का साइज है 11 फीट 4 इंच बाई 15 फीट का, मतलब जो चौड़ाई है वह 11 फीट 4 इंच है, इसका लंबाई है 15 फीट। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पूजा के लिए स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पर पूजा कैबिनेट बनवा सकते हैं। और यह देखिए डाइनिंग टेबल चेयर का लेआउट करके आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आप लोग समझ लें। यहाँ पे देखिए गेस्ट रूम दिया गया है 10 बाई 9 फीट का और इसमें भी फर्नीचर का लेआउट करके आपको समझाया गया है, आप इस साइड में टीवी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए स्टेयरकेस बनाया गया है, यह एक तरफ से 3 फीट चौड़ा है और यह भी है 3 फीट चौड़ा है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कॉमन बाथ दिया गया है और इसका एंट्रेंस सीढ़ी के नीचे से दिया गया है। बाथ का साइज है 8 बाई 4 फिट और यहाँ पे देखिए एक अटैच टॉयलेट दिया गया है, इसका भी साइज है 8 बाई 4 फिट। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम दिया गया है, बेडरूम का साइज है 15 फिट 6 इंच बाई 10 फिट 4 इंच का, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 15 फिट 6 इंच है और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फिट 4 इंच है और उसमें एक बेड का लेआउट करके आपको समझाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 8 बाई 7 फिट का एक किचन दिया गया है और उसमें भी यह किचन प्लेटफॉर्म है और यह गैस चूल्हे का अरेंजमेंट करके आपको दिखाया गया है। फ्रेंड्स, जब भी आप किचन बनवाएं तो इस बात को ध्यान में रखें कि किचन प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जब हम गैस चूल्हे का लेआउट करके भोजन बने तो अपना फेस पूर्व दिशा में हो, उसको ध्यान में रखते हुए यह यहाँ पर बनाया गया है और यह इतना पोर्शन ओपन रहेगा किचन के वेंटिलेशन के लिए और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए साइड में 3 फीट चौड़ा जगह दिया गया है जिससे कि इस घर का पूरा वेंटिलेशन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि गेस्ट रूम के लिए यहाँ विंडो लग जाएगा और यहाँ पर विंडो आ जाएगा, एक बाथरूम का यहाँ से वेंटिलेशन हो जाएगा, यहाँ पर डोर आएगा, एक यहाँ पे एक विंडो लगा देंगे तो इसमें वेंटिलेशन हो जाएगा, किचन के लिए यहाँ से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यह प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.